कमर से छाती तक डूबकर, अपनी साइकिल सिर पे उठाकर, भीगकर, अपनी जान जोखिम में डालकर स्कूल से वापस आते जिन बच्चों, दृश्य जो आप देख रहे हैं ये दृश्य है 75 साल पहले आज़ाद हो चुके देश की। ये तस्वीरें हैं उस राज की जो 21 साल का युवा है। ये दृश्य है उस गांव का जो छत्तीसगढ़ की राजधानी से सिर्फ 150 किलोमीटर दूर है। ये दृश्य है उस गांव का जो मुंबई को कोलकाता से जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग 6 और हजीरा को पारादीप से जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग 53 से सिर्फ 6 किलोमीटर की दूरी पर है। ये दृश्य है उन अभागे छात्रों का जिन्होंने जन्म लिया है ऐसे गौरवशाली भ्रष्ट राष्ट्र में, जहाँ शक्तिशाली बनते ही व्यक्ति भ्रष्ट और दिशाहीन हो जाता है। ये गांव कोकड़ी, जहां आज़ादी के 75 साल बाद भी एक पुल का निर्माण नहीं हो पाया है। ये गांव जहां की लड़कियां एक जोड़ी कपड़े अपने बैग में रखकर नदी पार करती हैं और नदी पार कर अपनी अस्मिता पर जोखिम ले नदी के उस पार कपड़े बदलती हैं और फिर स्कूल जाती हैं। ये गांव जहां सिर्फ 5वीं कक्षा तक का सरकारी स्कूल है। ये गाँव जहाँ 100% आबादी किसानों और मजदूरी की है। ये गाँव जहाँ आज तक एक भी व्यक्ति सरकारी नौकरी नहीं पा सका। ये गांव जिसने विधानसभा चुनाव का बहिष्कार किया। ये गांव जिसने तथाकथित राजनेताओं, जनप्रतिनिधियों को 75 साल से सम्मान दिया, हाथ जोड़े, पैर पड़े, विनती की एक पुल के लिए, उस पुल के लिए जो बारिश के दिनों में गांव की गर्भवती महिलाओं की जान बचा सके, वो पुल जो बच्चों को विद्यालय से जोड़ सके, वो पुल जो उनके छोटे से गाँव को विकास से जोड़ सके। और आज तक इस पुल का नहीं बन पाना, क्या इन नेताओं मंत्रियों को चुल्ली भर पानी में डूब कर नहीं मर जाना चाहिए? नमस्कार, आज हम आए हुए हैं कोकड़ी में, जो ग्राम पंचायत भीखापाली का आश्रित ग्राम है, जिसकी दूरी सरायपाली से सिर्फ 6 किलोमीटर की है। लेकिन सरायपाली से 6 किलोमीटर की दूरी होना इस गांव के लिए किसी वरदान या किसी खुशकिस्मती की बात नहीं है। आज़ादी के इतने सालों बाद भी जहाँ आज हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, वहाँ पर हमारे लिए ये बहुत शर्मनाक बात है कि एक नगर पालिका और नेशनल हाईवे से मात्र 6 से 7 किलोमीटर की दूरी में पड़ने वाला, रास्ते में पड़ने वाला एक गांव आज भी इतनी बदहाल स्थिति में है कि बारिश के दिनों में इस गांव का संपर्क मुख्य मार्ग से, मुख्य शहर से, मुख्य धारा से पूरी तरीके से टूट जाता है। यहां रहने वाले ग्रामीणों को ना तो स्वास्थ्य सुविधाएँ मिल पाती हैं, ना ही राशन, फल, सब्जी किसी प्रकार की सुविधाएँ मिल पाती हैं। हद तब हो जाती है जब यहाँ से पढ़ने वाले बच्चे 15-15, 20-20 दिनों तक बारिश के दिनों में स्कूल नहीं जा पाते हैं, और जब पानी का जल स्तर, नदी में जल स्तर थोड़ा कम होता है, उस समय बच्चे किस तरीके से नाला पार करते हैं ये हम आपको आगे वीडियो में दिखाते हैं। यहाँ पढ़ने वाले बच्चे घर से एक जोड़ी कपड़ा लेकर निकलते हैं, नाला पार करते हैं, कपड़ा बदलते हैं और उसके बाद स्कूल में जाकर पढ़ाई करते हैं, उसके बाद वापिस आते हैं और फिर वही क्रम दोहराते हैं। इस स्थिति में आप सोचिए कि बच्चों को किस विभीषिका से गुजरना पड़ रहा है यहाँ से पढ़ने जाने के लिए। उसके बाद स्कूल में सिर्फ प्राइमरी स्कूल तक की पढ़ाई है, जिसमें 3 टीचरों की पोस्टिंग है, तीनों शिक्षक बाहर से पढ़ाने के लिए आते हैं। बारिश ज़्यादा हो जाने पे वो शिक्षक गांव तक आ नहीं पाते हैं, और जो प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा है, जिसमें बच्चे का प्रारंभिक शिक्षकीय ज्ञान, शिक्षा का स्तर मजबूत करने का प्रयास किया जाता है, उससे बच्चे वंचित रह पाते हैं। आइए चलिए आगे की जानकारी के लिए आपको गांव में लेकर चलते हैं। कोकड़ी गांव की जिस समस्या के बारे में हम अभी बात कर रहे थे, नाले के पास खड़े होकर, नाले में पुल ना होने की वजह से गांव का विकास पूरी तरीके से रुक गया है। यहां नालियों में आप देख सकते हैं किस तरीके से कीचड़ भरा हुआ है। यहां ग्रामीण बैठे हुए हैं, ग्रामीणों का बताना है कि इस गाँव में ज़्यादातर किसान ऐसे हैं जो सब्जियों का उत्पादन करते हैं, सब्जी भाजी का उत्पादन करते हैं। नाले में पानी ज़्यादा जाने की वजह से, पुल ना हो पाने की वजह से सही समय पे किसान अपनी सब्जियों को बाज़ार में नहीं ले जा पाते हैं, और सब्जियों को बाज़ार उपलब्ध ना होने की वजह से ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसका स्टोरेज करके रखा जा सके, जिसको संग्रहित करके रखा जा सके, इसलिए सब्जियां ख़राब हो जाती हैं और किसानों का बहुत नुकसान भी होता है। उसके अलावा यहाँ रहने वाले ग्रामीणों ने हमको बताया है कि गाँव में जब नाले में पानी बहुत ज़्यादा जाता है बारिश के समय में, ऐसे समय में अगर कोई गर्भवती महिला है जिसे डिलीवरी के लिए शहर में लेके जाना है, किसी अच्छे अस्पताल में लेके जाना है, सरकारी अस्पताल में लेके जाना है, तो उन्हें वो सुविधा भी नहीं मिल पाती है। कई बार यहाँ पे बहुत गंभीर स्थिति बन जाती है, कई लोगों की इलाज के अभाव में यहाँ मौत हो जाती है। यहाँ पे सांप बिच्छू काटने पे सही समय पे चिकित्सा उपलब्ध नहीं हो पाती है। नाले में पानी इतना ज़्यादा है कि हमने देखा कि किस तरीके से बच्चे कपड़े बदल कर नाले को पार करते हैं, छाती भर पानी है, कहीं पर कमर भर पानी है,
बच्चों के लिए कितना दुखदायी बात है, आप इस चीज़ पर ध्यान दीजिए। उसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण विषय यह है कि गांव में पढ़ने वाला जो प्राथमिक स्कूल है, गांव में यहाँ पे सिर्फ मिडिल स्कूल तक का की शिक्षा दीक्षा होती है, उस स्कूल के भी जो शिक्षक हैं वो बारिश के समय में नहीं पहुँच पाते हैं। शिक्षकों से हमने बात की, शिक्षकों का कहना है कि अगर कमर तक पानी रहता है तो वो बाइक उधर छोड़ के पैदल चल के यहाँ तक आते हैं, और अगर घुटने भर पानी रहता है तो वो मोटरसाइकिल में किसी तरीके से यहाँ पहुँच जाते हैं, और अगर कमर से ऊपर पानी रहता है तो वो यहाँ आ भी नहीं पाते हैं। इस स्थिति में आप सोचिए कि बच्चों की जो प्राथमिक पाठशाला है, जब उनके दिमाग का विकास होता है, जब उन्हें शिक्षा दीक्षा की सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है, ऐसे समय में बच्चे 15-15, 20-20 दिन तक अपनी शिक्षा दीक्षा से वंचित रहते हैं। आप आइए, हम आपको गाँव के यहाँ किस जो ग्रामीण हैं, ग्रामीणों से हम मिलाते हैं। यहाँ दादा आ जाएगा। दादा आपका क्या नाम है? तिलक बाबू पटेल। दादा, आपके गांव के रास्ते में जो पुलिया पड़ता है, नाला पड़ता है, उसमें पुल के ना होने की वजह से आपको क्या, कैसी समस्या का सामना करना पड़ता है? यहाँ बड़ी समस्या को हल करना पड़ता है। यहाँ स्वास्थ्य केंद्र से आने जाने से वंचित रह जाते हैं, कोई डिलीवरी होने से भी वो वंचित रह जाता है, वो दंड उसको बड़ा भारी मिलता है। ऐसी ऐसी कईयों की समस्या है। लड़के लोग पढ़ने जाते हैं तो पढ़ नहीं सकते, क्योंकि पानी ज़्यादा होने से स्कूल नहीं जा सकते। जी, हमारे साथ में गांव के एक और बुजुर्ग हैं, जहरूलाल पटेल जी। दादा सामने आ जाइए। दादा, आज़ादी को 75 साल हो गया है, आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, लेकिन आज भी सरायपाली से सिर्फ 6 किलोमीटर दूर होने के बाद भी आपके गाँव को पुल से नहीं जोड़ा जा सका है, तो इस वजह से आप लोगों को कैसे क्या समस्या होती है? सब आ जा में असुविधा होते, लड़का वाला पढ़न जा में असुविधा है, जबकि कराए में असुविधा है, हर चीज़ के असुविधा होती, बाजार जाने पर साग सब्जी वहाँ पहुँच नहीं पाता है, ऐसी ऐसी। यहाँ पे हमारे छत्तीसगढ़ राज्य को बने आज लगभग 21 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं, इस नवंबर में 21 साल पूरे हो जाएंगे, लेकिन ये कैसी विडंबना है कि कांग्रेस के शुरुआती 3 साल कांग्रेस के थे, उसके बाद के 15 साल भारतीय जनता पार्टी के थे। ग्रामीणों का कहना है कि यहाँ पे हर जनप्रतिनिधि आता है, विधायक से लेकर जनपद अध्यक्ष तक, जनपद सदस्य तक, जिला पंचायत सदस्य, हर प्रकार के जनप्रतिनिधि यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे हर तरह के प्रशासनिक अधिकारियों का भी दौरा हो चुका है, लेकिन आज तक ऐसी कौन सी समस्या, ऐसी कौन सी परेशानी, या ऐसे कौन सी बड़ी मुसीबत है, या ऐसी कौन सी बड़ी ताकत है जिसने शासन प्रशासन को इस गांव को मुख्य मार्ग से जोड़ने के लिए एक पुल बनाकर देने के लिए से रोका हुआ है, ये देखने और सोचने की बात है, चिंता की बात है। अगर इस पुल को बनने से, अगर इस गांव को मुख्य धारा से जुड़ने से किसी ने रोका हुआ है, तो वो सिर्फ राजनेताओं और अधिकारियों की इच्छा शक्ति ने रोका हुआ है। एक निजी न्यूज़ चैनल ने जब पक्ष और विपक्ष का इस विषय में विचार जानना चाहा कि आज़ादी के 75 साल बाद भी आज तक कोकड़ी गांव मुख्य धारा से पूरी तरीके से क्यों नहीं जुड़ पाया है, क्यों आज तक नाले में पुल का निर्माण नहीं हुआ है, तो विपक्ष का कहना था कि उन्होंने 2.5 साल में इस विधानसभा में या प्रदेश में विकास की कोई बयार नहीं देखी है। लेकिन विपक्ष आज क्यों भूल जाता है कि पिछले 15 सालों तक वही सत्ता में थे, पिछले 15 सालों तक प्रदेश में उन्हीं की सरकार थी, पिछले 15 सालों में अधिकारी कर्मचारी उन्हीं की उंगलियों के निशाने पर नाचते थे। आज जो विपक्ष ये कह रहा है कि उन्होंने 2.5 साल में किसी तरह का विकास होते नहीं देखा है, उस विपक्ष को ये याद रखना चाहिए कि 10 साल तक उसी के विधायक, उसी के जनप्रतिनिधि इस क्षेत्र से चुन कर जाते थे। सत्ता पक्ष का कहना है कि उन्होंने एस्टिमेट भेज दिया है, PMJSY के अधिकारियों को निर्देशित कर दिया है, तो जब उन्होंने निर्देशित कर दिया है, जानकारी में बात डाल दी है, और विधायक बनने के पूर्व भी वहां गए थे और विधायक बनने के बाद भी जब वहां गए हैं, तो अभी जब मुख्यमंत्री ने 34 करोड़ के विकास योजनाओं की घोषणा सरायपाली के लिए की है, तो कोकड़ी गांव के साथ ऐसा सौतेला व्यवहार क्यों?